वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सेजल और आपका स्वागत है सेजल्स डायरी में। आज मैं रिव्यू करने वाली हूं प्रेगनेंसी पिलो का और मैं बताने वाली हूं कि वो कितना फायदेमंद हो है मेरे लिए, मतलब मुझे हुआ है फायदा उससे या फिर ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दिखा देती हूँ मैं प्रेगनेंसी पिलो इस तरीके का होता है। मैटरनिटी पिलो या प्रेगनेंसी पिलो इसको कहते हैं। ये मैंने सी शेप का मंगवाया है और आपको मार्केट में एल शेप और यू शेप का भी अवेलेबल है, तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो वैसा मंगवा सकते हैं। मैंने ये क्यों मंगवाया है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। पहले मैं तीन तीन चार चार पिलो लेकर इस तरह से सोया करती थी, जो कि बहुत जल्दी जैसे रात को खिसक जाते थे या इधर उधर गिर जाते थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। करवट लेके सोना होता है इस साइड या उस साइड, सीधा हम लोग सो नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत एक टिल्ट करके सोना होता है। तो इस वजह से ये पिलो रखना बहुत जरूरी है। चारों तरफ इतने सारे जब मेरे पिलो होते थे तो मेरे हस्बैंड भी नहीं सो पाते थे, वो एक साइड बिल्कुल हो जाते थे किनारे पर, तो उनको भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था। तो मैंने इस पिलो को देखा था ऑनलाइन, तो और इसके बहुत अच्छे रिव्यू थे, तो मैंने ये वाला अमेजोन से ऑर्डर किया है। और आपको अराउंड 1000 से 1500 के बीच में अच्छे क्वालिटी के जो पिलो मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही एक सॉफ्ट सा मटेरियल है, जो है इसका मटेरियल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे यूज किया है तो मुझे काफी इससे फायदा हुआ है, क्योंकि आपको बहुत सारे पिलोज रखने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बहुत काफी होता है। पूरा ये आपके राउंड में आ जाता है, उस साइड से भी इस साइड से भी आप सर रख सकते हैं, और साथ ही में नीचे के लिए और साइड के लिए दोनों जगह अच्छे से ये पिलो यूज में आ जाता है। तो मुझे काफी कम्फर्टेबल लगा इस पे लेटने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे कैसे यूज होता है इसका। जैसे ये इस साइड आपने रख दिया, ये इस तरीके से मैं लेती हूँ। देखिए आप, सर मेरा इसके ऊपर है और एक पूरा साइड में ये जो पोर्शन है इसके नीचे मैंने ले रखा है। पैर को इस साइड से आप एक अंदर डालकर और एक ऐसे लेट सकते हैं ताकि बहुत ही आरामदायक होता है, और ये हाथ भी ऐसे निकाल के आराम से इसे लेट सकते हैं ताकि पेट पर भी जोर नहीं पड़ता। और बहुत ही पीछे से जो बैक से है, बैक से भी पूरा सपोर्ट ये मिल जाता है, और ये बिल्कुल भी भारी नहीं है और ये हल्का फुल्का है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, तो हाथ पर भी इसकी जोर नहीं पड़ेगा, आराम से इस तरीके से लेट सकते हैं और पेट पर भी जोर नहीं पड़ता है। उस साइड से भी मैं आपको लेट के दिखाती हूँ। अभी मैं इस साइड से लेटी हुई हूँ, देखिए ये यहाँ से इतना ये सी शेप का है तो ये गैप रहता है, आराम से इस साइड से भी आप बहुत अच्छे से लेट सकते हैं, जहां से भी आपको कंफर्टेबल हो, दोनों साइड से बहुत ही कंफर्टेबल है, तो आराम से आप कंफर्टेबली इसे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, हल्का फुल्का है, इधर उधर करवट लेने में भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुझे कंफर्टेबल रहा है, बहुत ज्यादा यूजफुल मुझे रहा है, और जो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी और थोड़ा बहुत पेन वगैरह, उससे भी मुझे जो है बहुत ही ज्यादा राहत मिली है। तो सेकंड थिंग गाइज, ये जो है आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपको ब्रेस्ट फिटिंग के लिए भी यूज में आता है। तो वो कैसे यूज में आता है, वो कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हैं अपने अराउंड, तो ये बैक से भी सपोर्ट दे देगा, और यहाँ पर जो है आप अपना बेबी रख के आराम से ब्रेस्ट फिटिंग करवा सकते हैं। और उसके लिए कितना कम्फर्टेबल है कितना नहीं है वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगी, जब आफ्टर डिलीवरी मैं इसे यूज करूंगी तब मैं जरूर बताऊंगी कि मुझे कितना यूजफुल रहा। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे अमेज़न से लिया है। तो ये था गाइस आज का मेरा प्रेगनेंसी मैटरनिटी पिलो का रिव्यू। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आओ जी।